भाई अक्षय कुमार ने हाल ही में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने पान मसाला के साथ अपने बॉन्ड को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भी फ्यूचर में वो इस एड में नजर नहीं आने वाले हैं। अब इसी बीच पान मसाला एड मामले को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों एक्टर्स को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। हाल ही में एक नया एड सामने आया था जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान एक पान मसाला का एड करते नजर आए थे। अब जिस तरीके से ये तीनों एक एड में नजर आए हैं, अब तीनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवमानना याचिका का जवाब देते हुए इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ को ये इन्फॉर्म किया है कि उसने बॉलीवुड के इन तीनों स्टार्स को गुटखा कंपनियों के लिए किए गए एड से रिलेटेड मामले में नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार के जो लॉयर हैं उन्होंने हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुनवाई कर रहा है, ऐसे में इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। तमाम दलीलों के बाद अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 तय की गई है। दरअसल ये मामला पूरा उस टाइम पर गर्मा गया जब एक पान मसाला के एड में लोगों ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स को देखा। वो जिस तरीके से गुटखा कंपनियों के लिए एड कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल देखने को मिला था। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि 22 अक्टूबर को इन एक्टर्स की तरफ से सरकार के सामने लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया, जिसके बाद फ्राइडे को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SB पांडे ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यानी कि पान मसाले की एड करना, गुटखा कंपनियों के लिए एड करना फिलहाल शाहरुख खान और इसके साथ ही अजय देवगन और अक्षय कुमार के लिए काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस मामले पर जो हाई कोर्ट है वो काफी सीरियस नजर आ रही है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और TV से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।